ये अगर मैं पूरी चिकन ऐसे उठा लूँ, ये आ गया ठंडा यक्सीन। क्या खिला रहे हो आज, आपकी मर्जी होगी। ये बेचारा ना बड़ा कल्ला कल्ला खड़ा था। तो अब सबसे पहले इसको जरा क्रंची पन चेक कर। ओ सानू इक पल चैन ना आवे, हाय हाय, ओ सानू इक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। अब ये सजना जिसको कह रहा है वो जरा देखें, ये इसको सजना कह रहा है। ये है जी मॉडर्न लावा, यहां ट्राई करने आए हैं बलोची सीजी। अब बलोची सीजी का जो सीन, इनका जो वाफिर मुझे अच्छा लगता है ना वो ये मसाला बिरयानी वाला और फ्लेवर सारा पुलाव वाला तकरीबन ऐसे। 1968 का, मान ले आगे। ओहो, फिर ये गाजरे वगैरह भी डाली हुई इन्होंने, मतलब ये काबली पुलाव प्लस बिरयानी प्लस पता नहीं क्या क्या। और इनका पता नहीं नाम क्या है यार, क्या नाम है ये? अलेंटो, अलेंटो है या लंटो है या शंटो है। और ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे जी। यार ये ऐसा होता है कि डाइट बंदा खा, अगर वो बंदा बीमार है ना, कम मसाले वाले आज आपका भाई देसी वाला सीन नहीं ऑन कर रहा। तो ये गुर्दे कपूरे वगैरह सब कुछ इसमें आ गई है। मक्खन, अस्सलाम वालेकुम जी। सरदार जफर आप खिदमत में हाजिर है एक नए व्लॉग के साथ, एक नई जगह पे। उम्मीद है आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली बेहतर होंगे। आपका भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आज कुछ सीन ऐसा है, कोई तो चटखारेदार कुछ खाने का दिल कर रहा था आपके भाई का, तो हम आ गए हैं जी सदर में। सदर में इस टाइम अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है जी मेन गोल चक्कर सदर, जहाँ आपका भाई खड़ा है। और पीछे ना अंत किस्म का ना पीछे रश है, क्योंकि शाम का टाइम है ये। आज हम आए हैं टिक्का शॉप पर। अगर मैं आपको ये ज़रा सीन चेक कराऊँ, ये है जी इकराम टिक्का शॉप और हम यहाँ ट्राई करने आए हैं बलोची सीजी। अब बलोची सीजी का जो सीन, इनका जो वाफिर मुझे अच्छा लगता है ना वो ये है कि ये चिकन के ऊपर कोई स्पाइसेस नहीं लगा। वो कह रहे हैं हमने इनको ना कोई स्पाइसी वगैरह उनका कोई वो मतलब समझ लें आप लिक्विड टाइप सीन है, जिसके अंदर ग्रीन चिली वगैरह और चीज़ें ना उसके अंदर हम इसको ना रख देते हैं अच्छी तरह, मतलब भिगो के रख देते हैं। तो वो चिकन क्या कर लेता है, सारा जो उसका मीट है ना वो सोक कर लेता है उस जायके को। तो उसकी वजह से ना बड़ा कोई वो कह रहे थे मतलब बड़ा शंटू लेवल सीन बन जाता है। अब इसको ट्राई करता है आपका भाई और फिर बताते हैं क्या सीन है। तो ये सारा सीन इधर है माशाल्लाह। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है जी बड़ा सा देखचा माशाल्लाह। और इसके अंदर है जी ओए होए होए, ये है जी चावल। ये बिरयानी टाइप होता है, कैसे होता है ये? पुलाव होता है, मतलब बिरयानी पुलाव। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मसाला बिरयानी वाला और फ्लेवर सारा पुलाव वाला तकरीबन ऐसे। ज़बरदस्त माशाल्लाह। इस तरफ ये भी सीन है माशाल्लाह, ये चेक करें। ये बेसिक देसी सीन है, आज देसी सीन ऑन नहीं करें हम। हम ना सिर्फ आज सीजी शीजी दिखा रहे हैं, जरा आपको ना कोई अंत किस्म। और उसके बाद एक आइसक्रीम का बड़ा नाम सुना है, उस आइसक्रीम को जाके आपका भाई फाड़ता है। तो ये ज़रा सीन चेक करें। तो ये सीन है भाई सारा इधर इस तरफ। और ये हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अच्छा, सबसे पहले अपना नाम ज़रा बता दें। नाम मेरा साबिर है। अच्छा साबिर भाई, ये बताएं कि इसकी सबसे कमाल बात क्या है? यार ये ऐसा होता है कि डाइट बंदा खा, अगर वो भी बंदा बीमार है ना, कम मसाले वाले खा रही है तो वो भी खा सकते हैं, मतलब सादा भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पाइसेस नहीं होते हैं, ऐसे ही कम होते। तो आप इसको कैसे मैरिनेट करते हैं, क्या करते हैं? फिर रेसिपी लादा होती है, इसको मैरिनेट करते हैं, नॉर्मल मसाले लगे होते हैं, देसी मसाले कह लेते हैं। पानी में इसको रखते हैं क्या, कैसे करते हैं? सिरका वगैरह होता है। अच्छा, इसमें सिरका वगैरह हो भिगो के ना, जो मैंने आपको बात बताई, सिरका वगैरह भगो के उसके अंदर इसको रख देते हैं। तो वो चिकन क्या करता है, सारा ना निचोड़ लेता है उसका जो सारा जूस वगैरह। ऐसा ही है माशाल्लाह। और कितना पुराना सेटअप है ये? 1968 का है। 68 का, इसी जगह पे। और क्या क्या चीज़ें दे रही है? यही चीज़ आपको सब्जी है, बारबेक्यू है, कढ़ाई है, टका टक। अच्छा अच्छा, और टाइमिंग क्या होती है आपकी? टाइमिंग दिन 11 बजे दुकान ओपन हो जाती है, तब आपको कढ़ाई मिलेगी। अच्छा, और शाम को बारबेक्यू सब्जी और ये टका टक। ज़बरदस्त माशाल्लाह। चले हम ट्राई करते हैं फिर आपसे कब से। ये देखें माशाल्लाह, ये सारा सीन है। इतनी काला खुशबू आ रही है ना भाई के, मैं आपको क्या बताऊँ, सारा सीन बहुत अच्छा है। आप यहाँ चलते हैं भाई के पास। और कढ़ाइयाँ कुड़ियाँ रखी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं आप? ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये ना सारा कुकर शुकर रखा हुआ इन्होंने, तो इसी के अंदर ना ये सारा सेटअप सेटअप कर रहे हैं। इस तरह ये टका टक वाला सीन भी है, लेकिन आज आपका भाई देसी वाला सीन नहीं ऑन कर रहा। तो ये गुर्दे कपूरे वगैरह सब कुछ इसमें आ गई है। मक्खन है, मक्खन है। और ये भाई है माशाल्लाह शेफ साहब। तो आप अपनी एक लगवाते हैं अच्छी किस्म की ना, कोई हैवी किस्म की चिकन शिकन लगवाते हैं, और उसके बाद आपको बताते हैं कि कितना एक हैवी सीन है माशाल्लाह। ये अब हमारी सीजी तैयार हो रही है माशाल्लाह। और ये भाई लगा रहे हैं ऊपर, ये आ गया लेमन, और अंत किस्म का ना इसका क्रिस्पी पान है माशाल्लाह। और इसके बाद इसको अच्छी तरह खोल के और फिर इसके अंदर लगाएंगे माशाल्लाह। अच्छा ये ना तकरीबन अब रेडी हो गई है माशाल्लाह।
इसकी हम कटाई शटाई करके ना मसाला वगैरह उन्होंने लगा दिया सारा, लेमन वगैरह भी लगा दिया था। तो ये सीन है माशाल्लाह। डालेंगे जी ये चावल। तो सीन कुछ ऐसा भाई, सदर गेट में बैठे हैं, पीछे आम किस्म का रश है। तो आज आपका भाई सिंची का एक सीन बना था, नमकीन खाने का दिल था, सॉल्टी भी मज़े का, तो ये एक चीज़ मुझे समझ आई है कि जो हज़म हो सकती है। आप ज़रा नीचे सीन चेक करें, पूरी एक चिकन हमने मंगवाई है उसने ना दो हाफ आप कर दिए, वो बंदों की सर्विंग है और साथ ये खट्टा माल भी आ गया। तो सबसे पहले अगर मैं आपको चिकन का दिखाऊँ तो इसका ज़रा इसको थोड़ा हटा के ना आपको इसका मुखड़ा दिखाते हैं। ओए 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 ओए, अगर मैं पूरी चिकन ऐसे उठा लूँ ना, ओए ओए ओए, तो ये चलो। अब सबसे पहले इसका ज़रा क्रंची पान चेक करते हैं कितनी क्रंची है माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओए 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 ओए, मैं कहता हूँ क्या बात है भाई, अगर मैं इसको ना यहाँ से तोड़ूँ ये पूरी मुर्गी जो है ना उसका सारा कमाल ये ऊपर क्रंच है ये वाला, ऐसा आला किस्म का ये क्रंची, ये वाला पार्ट ये स्किन है और ये सारा स्किन है, ये फुल क्रंची पार्ट है। और इसको ना बिल्कुल ऐसे सादा लगा के खाते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा रायता डालते हैं और इसके लिए मान लिया। तीन माने चंटू थ्री लेवल ना इसके लिए लफ्ज़ कम है, बहुत ही आउट क्लास उसका। ये जो जूसी चिकन है ना, मतलब इतना ही जूसी है ये, मैं दो उंगलियों से पकड़ रहा हूँ ये ऐसे कर रहा हूँ और ये अंदर तक इन रिच है, कमाल बात है। मैंने पहले भी एक दो जगहों पे अच्छे स्पॉट आपको दिखाए हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन इसमें कमाल बात ये कि उसने ना इसको भिगो के रखा हुआ था पानी के अंदर, मसाले वाले पानी के अंदर, तो उससे सारा जो चिकन है ना उसने सोक कर लिया। अब जरा हैवी किस्म की घुड़की बनाते हैं, ये यहाँ से ये क्रंच उठाता है आपका भाई, इसको इधर रखते हैं ऐसे और इसके ऊपर डालते हैं ये थोड़ा सा चाट मसाला और उसके बाद नन अदर देन लेमन। और आपका भाई आज इसको देसी तरीके से ये चेक कर, एक हैवी किस्म की बुर्की जा रही है भाई, बलोची सी चीज एड सदर इस तरफ आए। यकीन माने मेरा दिल कर रहा है कि मैं ब्लॉग इधर ही बंद कर, इतना ही गाड़ा टेस्ट है सारा कमाल इसकी चिकन का। उसी जो चिकन है ना वो बहुत आता सारा जो है ना, ये भी अपने पैसे पूरे कर रहा है, ये चाट मसाला और ऊपर आ गया ये खट्टा खट्टा लेमन। अब आपका भाई एक बड़ी सी बुर्की बना रहा है, ये आ गई हमारी बुर्की और ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे जी रायता। चलो ग्रीन लेवल का व्यू, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, थोड़ी सी महंगी है, तो ये बेसिकली की चाहे मेन रोक पर बैठे हैं तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत अलग है यकीन माने, अगर आप यहाँ आएंगे आप रिग्रेट नहीं करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह। ये दो है और अगर मैं आपको इसके अलावा फिर से ज़रा मुखड़ा दिखाऊँ, खासी है माशाल्लाह ये बात, चिकन की जो साइज़ है ना वो बहुत अच्छी खासी, मतलब आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं उस पैसों से, लेकिन थोड़े से पैसे कुछ ज़्यादा है माशाल्लाह। बस इधर शॉर्ट पे अच्छा, अगर मैं राइस आपको दिखाऊँ ना तो ये राइस के अंदर वो सही कह रहे थे, ये है जी काबली पुलाव की तरह है, ये देखें ये इसके अंदर ये किशमिश टाइप सीन है ये वाला, इसके अंदर ये गाजरें वगैरह भी डाली हुई उन्होंने, मतलब ये काबली पुलाव प्लस बिरयानी प्लस पता नहीं क्या क्या, तो ये अच्छा सीन है माशाल्लाह। ये देखिए ये किशमिश वगैरह भी उसमें डाली हुई है, सीन बहुत आला है माशाल्लाह, मतलब जितनी तारीफ की जाए ना तो वो कम है। तो यकीन माने इतना एक आला किस्म का शंटू लेवल का खाना था, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बरकत में रखे आपके काम को और इस सारे सड़कों का, बहुत ही आला किस्म का ट्रक लगा था माशाल्लाह। और सारा कमाल इस चिकन का है जी, ऐसे ही है, चावल ठीक है अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन सारा जो ये जो आप चिकन को मैरिनेट करते हैं ना सारी फनकारी उसकी है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह खुश रखे। तो अब ये खा खू लिया आपके भाई ने, अब आगे चलते हैं, एक जगह की आइसक्रीम मैंने सुनी है डिफेंस में, वो दो तीन हैं, अब उनमें से कोई एक ट्राई करते हैं जो भी हमारा दिल किया माशा। अच्छा भाई, तो जो दो तीन चीज़ें आपको दिखानी थी वो दिखा दी आपके भाई ने, होपफुली आपको ये सारी मेरी एफर्ट अच्छी लगी। अब आखिरी जगह पर आए हैं, ये भी यही फेज़ में ही है, DHA में ही है, और इनका पता नहीं नाम क्या है यार, क्या नाम है ये, एलेंटो, एलेंटो है या लंटू है या शंटू है, बहरहाल जो भी है। तो ये भाई खड़ा है माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, क्या खिला रहे हो आज, आपकी मर्जी होगी। ये बेचारा ना बड़ा कल्ला कल्ला खड़ा था और इस साइड में ना क्योंकि बड़े बड़े जिन खड़े हैं, ये है जी इस तरफ से स्वीट क्रीम, इस तरफ से आपका ये जेदी है, तो जहाँ ये दो तीन बड़े जिन आ जाए ना तो वहाँ नया ब्रांड इटसेल्फ खड़ा करना ही बहुत बड़ी दिलेरी है। तो हम इसकी दिलेरी को सलाम करते हैं और हम ना आज इसके पास आए, हमने कहा यह कल्ला कल्ला खड़ा है, बताएँ जी क्या क्या आपके पास। ये मेन्यू को ना आपने इधर पॉज करके देख लेना अच्छी तरह, और हम जो मंगा रहे हैं ना वो है जी ये मोल्टन लावा,
हाँ ये मंगा रहे हैं और ये इनके कहने पे, अच्छा ना हो ना मैं आपको पकड़ लूँगा, पता हो। चलें जी आप ज़रा इनकी मेकिंग शेकिंग देखते हैं। तो ये इनका सारा सेटअप है भाई, तो हाइजीनिक प्रॉपर ना माशाल्लाह। ये ना बड़ा एम्बियंस ऐसा लग रहा है जैसे आप ना स्पेन स्पेन में आए हो, दिस इज़ पाकिस्तान बेबी। तो सीन अच्छा है माशाल्लाह इनका। ये DHA में है, फेज़ टू में मेरे ख्याल में, एच ब्लॉक है ये, एच ब्लॉक हाँ फेज़ वन है ये, फेज़ वन या फेज़ टू के बिल्कुल एज में ये बैठे हैं दोनों। तो ये हमारा जी लग रहा है जी, हाय हाय हाय, आ जा भाई आ जा आ जा, नहीं आ रहा भाई मान लें, आ गया। ओहो ऐसा, ये हमारा जी आ गया मॉडर्न लावा। अब इसका जो सीन है ना, हाँ सबर का फर मीठा होता है वो कहने। अब ये मीठा पता नहीं कितना एक मीठा है, बहरहाल लग रहा है। अब ये इसको ज़रा ना थोड़ा इसका टेम्परेचर ऊपर नीचे करेंगे, उसके बाद जो प्रॉपर असल चीज़ है ना जिसके साथ इसको खाया जाएगा वो दिखाता हूँ अभी। अच्छा ये ब्रदर भी आ गया, वो ना ये उसका ही दिखा रहा। तो ये आ गया जी हमारा, ओए 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 ये जो लास्ट टच दिया है ना भाई, ये आला है माशाल्लाह। तो इसकी प्राइस क्या है? 400 यार ये गाना सुना रहा था पीछे ना, इसको करो ज़रा, इसको लाओ पीछे, सुनाए ज़रा गाना सुनाए। ओ सानू इक पल चैन ना आवे, ओ सानू इक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। अब ये सजना जिसको कह रहा है वो जरा देखे, ये इसको सजना कह रहा है। ये है जी मॉल्टन लावा, थोड़ा ना हमने पहले से इसको लॉर्ड द पावर अख्तर लावा। हाँ अब ये जरा ये मॉल्टन लावा आ गया, इसको ना थोड़ा सा ऐसे उठा लेते हैं साथ। और ये ठंडी यख आइसक्रीम आ गई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ठंडी यख माशाल्लाह। और ऊपर से मोल्टन लावा जो है ना, ये वाला सीन ये देखें, ये फुल गरम माशा, ये वाला और ये आ गया ठंडा यख सीन। अब ठंडा और गरम मिक्स है DHA में, इतना एक हैवी किस्म का खाना खाने के बाद ना आखिर में यही बच जाता है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो मैं सारे ब्लॉग इधर क्लोज कर रहा हूँ, होपफुली ये सारी मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह। एक नए ब्लॉग में एक नई जगह पे आपका भाई सरदार ज़फ़र इकबाल हाजिर हो जाएगा। तब तक अपना अपने प्यारों का और जो बीमार हैं प्लीज़ उनका बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सरदार ज़फ़र इकबाल के नाम से, पी अमान।